बैक एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिशिंग गियर्स के बारे में। हमने बात की थी फिशिंग क्राफ्ट्स की। फिशिंग क्राफ्ट ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर या फिर जिनमें जो फिशिंग क्रू होता है एंड फिशिंग गियर्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैरी किए जाते हैं। तो फिशिंग गियर्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि फिश को पकड़ने में, फिश को कैच करने में यूज किए जाते हैं। तो फिशिंग गियर्स क्या होंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिश कैचिंग। फिश कैचिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे उनको यहाँ पे बोला जाता है फिशिंग गियर्स। फिशिंग साइकिल होती है। फिशिंग गियर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नेट्स हो गई, हुक्स हो गई, लाइंस हो गई, या फिर कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे नेट्स होते हैं, ठीक है। या फिर आजकल के टाइम के अंदर कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट भी आ गए हैं। इसके अलावा कुछ टाइप के इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ टाइप के फिशिंग पॉइजन यूज़ किए जाते हैं फिशिंग करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं? फिशिंग गियर्स होते हैं। अब फिशिंग साइकिल क्या होती है? द इंटायर पीरियड बिटवीन द लॉन्चिंग ऑफ अ फिश गियर एंड लॉन्चिंग इट अगेन आफ्टर अ गैप, इसको फिशिंग साइकिल कहते हैं। लाइक एक बार हमने क्या किया, अपना जो गियर है, जैसे कि हमने बात की कि नेट है, उसको हमने लॉन्च कर दिया है जहां पे भी वाटर है उसके अंदर फिश को कैप्चर करने के लिए। अब लॉन्च करने के बाद उसमें से फिर फिश जो है वो कैचिंग कर ली है, ठीक है, फिश पकड़ ली है उसमें से, और उसको अब दोबारा से लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार जब फिश पकड़ी है, एक बार फिश कैचिंग की है, तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि उसको पकड़ते टाइम कुछ सर्टेन पॉइंट से वो वहाँ से फट भी सकता है, या फिर कुछ और टाइप के वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उन सबको प्रॉपरली चेक करने के बाद उसको दोबारा से लॉन्च किया जाता है। तो जो गैप होता है, एक बार लॉन्च करना एंड नेक्स्ट टाइम लॉन्चिंग इट अगेन आफ्टर ए गैप, इसको बोला जाता है फिशिंग साइकिल, ठीक है। ये क्या होगा? कंप्लीट एक फिशिंग साइकिल होगी। अब ये जो फिशिंग गियर्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसके अंदर स्पीयर्स एंड हार्पून हो सकते हैं, हुक्स एंड लाइंस हो सकती हैं, कुछ टाइप के फिश ट्रैप्स हो सकते हैं एंड नेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फिशिंग गियर्स होते हैं। इसके अलावा पॉइजन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट भी आजकल यूज़ किया जाता है फिशिंग करने के लिए। तो हम ये चार मेन टाइप के फिशिंग गियर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो नेट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे नेट्स होते हैं फिक्स्ड नेट्स, इसके अलावा सेन्स होते हैं, बीच सेन होते हैं, कास्ट नेट होते हैं, पर्स नेट, गिल नेट जो कि फर्दर सिंपल गिल नेट हो सकता है, फिर ट्रॉमल नेट हो सकता है, ड्रैग नेट होता है, डिप नेट होता है, बीन नेट या फिर जाल होता है, शांगलो नेट होता है, ट्रोल होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के नेट्स होते हैं, और ये जो नेट्स हैं यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नेट के ऊपर से ही आता है, कि या तो कोई सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर नेट के बारे में पूछ लिया कि कास्ट नेट क्या होता है, ड्रैग नेट क्या होता है, ट्रोल क्या होता है, तो ये नेट के बारे में आ सकता है। फिर सिंपली ऐसे आ सकता है कि फिशिंग गियर्स को एक्सप्लेन करो, तो उसमें ये नेट्स जो है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है स्पीयर्स एंड हार्पून्स के बारे में। गियर को बोला जाता है भाला, और ये जो हार्पून होता है इसको बोला जाता है बर्छी, या फिर इसको बर्छा बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये जो स्पीयर एंड हार्पून है, लार्ज साइज की फिश जो होती है उनको वॉन्ड किया जाता है, ठीक है, उनको वॉन्ड किया जाता है, उनको घायल किया जाता है, जो लार्ज साइज की फिश होगी। अब ये सिंपली क्या किया जाता है, इन स्पीयर एंड हार्पून को वाटर के अंदर जो है चलाया जाता है, जिसके जैसे जो लार्ज साइज की फिश होगी वो घायल हो जाएगी, वॉन्डेड हो जाएगी, एंड फिर क्या होगा, यहाँ पे वो वाटर के अंदर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। पहले वो स्विम कर रही थी, लेकिन अब वो घायल हो गई तो फ्लोट करना स्टार्ट हो कर देगी, एंड फिर उसको ईजिली पकड़ा जा सकता है उस फिश को। अब ये जो ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, स्पीयर एंड हार्पून ऐसे टाइप के होते हैं। अब ये जो स्पीयर एंड हार्पून है, ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वन और मोर मेटालिक कोनिकल पॉइंट्स आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग बैम्बू शाफ्ट टू फॉर्म अ स्पीयर और त्रिशूल। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे, ठीक है, इन सभी के क्या है, जो यहाँ पे एक बैम्बू शाफ्ट या फिर एक मेटालिक शाफ्ट,
यहाँ पे अटैच होती है, और ये अटैच होती है यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर वन और मोर मेटेलिक कॉनिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, इनमें एक पॉइंट हो गया, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर मोर देन 3 पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है वन और मोर मेटेलिक कॉनिकल पॉइंट्स अटैच होते हैं एट द एंड ऑफ एक 2 मीटर लॉन्ग बैम्बू शाफ्ट से, एंड ये स्फीयर या फिर त्रिशूल फॉर्म करते हैं। हार्पून क्या होता है, ये एक बार्ब्ड आयरन पॉइंट होता है, ठीक है, बार्ब्ड आयरन पॉइंट होगा जो कि एक 3 मीटर लॉन्ग बैम्बू शाफ्ट से अटैच होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से लार्ज साइज फिशेज की कैचिंग की जाती है। इसके बाद सेकंड आता है हुक्स एंड लाइंस। हुक्स एंड लाइंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कॉमन होती है ये, जनरल जो पब्लिक जो कैप्चरिंग होती है फिशिंग की, जैसे कि पोंड, लेक्स एंड रिवर्स, उनके अंदर ये यूज किया जाता है हुक्स एंड लाइंस। ये एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आई होता है। इस आई से क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग है वो अटैच की जाती है। इसके बाद इसके अंदर एक शैंक होता है और यहाँ से बैंड होता है और ये पॉइंट होता है, एंड यहाँ पे ये एक बार्ब होता है, और ये जो पॉइंट से और जो शैंक तक का गैप जो है, डिस्टेंस है, उसको गैप बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। द लाइन इज जॉइंट टू आई ऑफ द हुक एट वन एंड। लाइन जो है वो क्या होती है, इससे, ठीक है, जो आई है हुक की उससे क्या होती है, अटैच होती है एट वन एंड पे। हेडलाइंस कैरी सेवरल हुक्स टू इंक्रीज द बेट एंड चांसेस ऑफ फिशिंग। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये तो क्या हो गया, एक ही जैसे लाइन होगी उसके साथ एक हुक अटैच है, ऐसा भी होता है बहुत लंबी रो होती है हुक्स की जो कि एक लाइन से अटैच होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक हो गई, ठीक है, एक सिंपली इससे हुक यहाँ पे ऐसे अटैच होगा, ये हुक हो गया, या फिर दो हो सकती है, जैसे कि यहाँ से लाइन आई, दो इसके साथ हुक्स अटैच है, या फिर इससे ज्यादा हो सकती है, जैसे कि ऐसे हमने बात कर ली कि यहाँ पे बहुत सारे हुक्स इसके साथ अटैच है, ऐसे इसके साथ हुक्स अटैच होते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी और भी हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे जो है ऐसे टाइप से हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हुक्स हो। तो ये अलग अलग टाइप की लाइंस होती हैं जहाँ पे मल्टीपल हुक्स पाई जाती हैं, और ये मल्टीपल हुक्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं बेट्स को, क्योंकि इन हुक्स के ऊपर यहाँ पे बेट जो है, जो भी फिशिंग कैप्चर करने के लिए बेट है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिश ऐसे तो नहीं आएगी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक बेट की जरूरत होगी, तो बेट जो है यहाँ पे लगाई जाती है जिसकी वजह से फिशिंग जो है इसकी तरफ, फिशिंग के जो चांसेस है इनकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक तो सिंगल हुक की बात करें उसमें एक बार में शायद एक ही फिश आए, लेकिन अगर मल्टीपल हुक्स हैं तो वहां पे कौन से भी हुक पे एक दो या फिर इससे ज्यादा फिशेज जो है वो आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पेयर ऑफ बैलेंस जो है यहाँ पे ये अटैच किया जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये एक पेयर जो है यहाँ पे अटैच किया जाता है, इसके अंदर भी यहाँ पे अटैच किए जाते हैं इसको, हुक्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ऐसे हिले डुले ना ये, इनको बैलेंस करने के लिए। एंड ये जो हुक्स एंड लाइंस है ये टोटल 2.4% जो है, ठीक है, 2.4% वर्ल्ड फिशिंग का करती है, यानी कि कंट्रीब्यूट करती है, हुक्स एंड लाइंस से 2.4% वर्ल्ड की फिशरी पकड़ी जाती है, कोट की जाती है। तो ये हुक्स एंड लाइंस के बारे में हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर थर्ड, फिश ट्रैप्स, ठीक है। फिश ट्रैप्स के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रैप्स आते हैं, जैसे कि बास्केट ट्रैप होता है, हेमिस्फेरिकल ट्रैप होता है, तो इन ट्रैप्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है ही बास्केट ट्रैप, बास्केट जैसा ही बास्केट ट्रैप होता है, यूज टू कैच फिश लाइक हेट्रोन्यूस्टिस क्लैरिस या फिर चना की स्पीसीज हो गई दैट लाइव इन द शैलो मडी वाटर, ठीक है, शैलो मडी वाटर के अंदर लाइव करती है, तो इन टाइप के फिशेज को पकड़ने के लिए बास्केट ट्रैप का यूज किया जाता है। ये बास्केट ट्रैप जो है ये बैम्बू का बना हुआ होता है, स्प्लिट बैम्बूज का बना होता है, हैविंग अ वाइड ओपनिंग, एक साइड इसके अंदर वाइड ओपनिंग होती है अबाउट अ मीटर इन डायमीटर, एंड एक एंड पे ऊपर एंड दूसरे एंड के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि सिर्फ 12 to 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है एट द टॉप,
तो ये बास्केट बास्केट होती है। बास्केट को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है वाटर के अंदर एंड वाइड ओपनिंग प्रेस्ड इनटू मड वाटर वेयर फिश एंड प्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड। इसको वाटर के अंदर ऐसे क्या कर दिया जाता है, ऐसे वाटर के अंदर ऐसे डिप कर दिया जाता है, ठीक है, वाटर के अंदर डिप कर दिया जाएगा, जहां पे भी, ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं पे भी कर देंगे, जहां पे हमें लग रहा है कि जो भी फिशरमैन है उसको लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकती है फिशरी या फिर प्रॉन्स हो सकते हैं, तो वहां पे इसको एकदम से ही क्या कर देगा, यहाँ पे ड्रॉप कर देगा वाटर के अंदर, ठीक है, वाइड ओपनिंग की तरफ। तो इसकी वजह से जो भी यहाँ पे फिश वगैरह होंगी या फिर प्रॉन्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, इस साइड से वो निकल नहीं पाएंगे। एंड फिर इसको क्या कर लिया जाता है, फिर इसको निकाल लिया जाता है एंड फिर इसमें से जैसे ही इसको उल्टा किया जाता है तो वाटर इसके अंदर से सारा ड्रॉप हो जाएगा एंड सिर्फ फिशरी यहाँ पे रह जाएंगी, फिर प्रॉन्स यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये बास्केट ट्रैप जो है ये यूज की जाती है शैलो मडी वाटर के अंदर। सेकेंड टाइप की आती है टू हेमिस्फेरिकल बास्केट। इन दो हेमिस्फेरिकल बास्केट को ईच हैविंग एन ओपनिंग एट नैरो एंड एंड जॉइंट टुगेदर एट देयर ब्रॉड एंड। ब्रॉड एंड के ऊपर ये जॉइंट होती है, नैरो एंड के ऊपर ये जो है दूसरी साइड में होते हैं इसके नैरो एंड्स। द नैरो ओपनिंग आर गार्डेड बाई कर्ड बैम्बूज स्टिक्स विद देयर फ्री एंड्स फेसिंग टूवर्ड्स द इनर साइड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो नैरो ओपनिंग है वो भी गार्ड की जाती है, ठीक है, नैरो ओपनिंग गार्ड की जाती है यहाँ पे, ठीक है, एक एंड के ऊपर तो यहाँ पे ओपनिंग पाई जा रही है, सेकंड को यहाँ पे बंद कर दिया है जी, बिल्कुल ठीक है, बंद कर दिया गया है। बंद किससे करते हैं, बैम्बू फेसिंग से बंद करते हैं, जो कि इनर साइड, ऐसे इनर साइड वो जो है लाई करती है। अ स्टेबल बेट इज प्लेस्ड इन साइड द बास्केट टू ट्रैप फिश फ्रॉम वेयर दे आर अनेबल टू गेट आउट। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्टेबल बेट जो है वो बास्केट के अंदर रखी जाती है, जैसे ही फिश इसके अंदर आ तो सकती है लेकिन इस साइड से निकल नहीं पाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर फंस जाती है। तो इस वे में यहाँ पे टू हेमिस्फेरिकल बास्केट यूज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड टाइप का ट्रैप होता है, एक लॉन्ग स्क्रीन यहाँ पे यूज की जाती है। लॉन्ग स्क्रीन जो है 10 to 15 meter लॉन्ग होती है एंड 1 to 1.5 meter वाइड होती है। इज प्रिपेयर्ड बाई ज्वाइनिंग टूगेदर स्प्लिट बैम्बो स्टिक्स। बैम्बो स्टिक्स को यूज करके इसको बनाया जाता है। द स्क्रीन इज सेट इज इन शैलो वाटर एंड स्क्रीन को फिर क्या किया जाता है, शैलो वाटर के अंदर सेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ हाई फ्लड। हाई फ्लड के टाइम पे द फिश इन द इनक्लोज एरिया आर अनेबल टू एस्केप एंड आर इजली कलेक्टेड आफ्टर रेनिंग आउट द वाटर। एंड यहाँ पे क्या हो जाती है, फिश जो है वो इस इनक्लोज एरिया के अंदर इजली कैप्चर की जा सकती है। कार्प्स कैटफिश चना स्पीसीज आर कलेक्टेड बाई दिस मैथड, ठीक है, इस मैथड के थ्रू ये टाइप की स्पीसीज जो है वो पकड़ी जाती है। इसके बाद मेन फिशिंग गियर्स आते हैं नेट्स, ठीक है, मेन फिशिंग गियर होते हैं नेट्स एंड नेट्स जो है इनसे सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर फिशिंग की जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज आती है फंक्शनिंग के लिए, जो नेट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि ये टर्म्स जो है ये आगे जाके यूज होंगी। रोप्स एंड केबल्स यूज की जाती है नेट को स्प्रेड करने के लिए। स्टेक्स यूज किए जाते हैं, वुड और आयरन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये नेट के ऊपर टाई किए जाते हैं। फ्लोट्स यूज किए जाते हैं नेट को फ्लोट करने के लिए। सिंकर्स एंड वेट्स यूज किए जाते हैं ताकि नेट का एक पार्ट जो है वो क्या हो जाए, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो जाए। एंकर्स यूज किए जाते हैं, आयरन बार्स होते हैं विद फ्लैट एंड बार्ब्ड एंड यूज टू इनको यूज किया जाता है, यूज टू हैव द नेट इन हेल्ड द नेट इन प्लेस। नेट को अब एक प्लेस के ऊपर हेल्ड करने के लिए ये आयरन बार्स यूज किए जाते हैं एंड इन आयरन बार्स के अंदर क्या होता है, फ्लैट होते हैं एंड एक बार्ब्ड एंड होता है इनका। टिम्बल्स यूज किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ द केबल्स। स्वीवल यूज किए जाते हैं, स्वीवल यूज किए जाते हैं, ये टाइप के स्टील स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ रोप एंड केबल्स को अलाउ करते हैं। इसके अलावा शैकल्स यूज किए जाते हैं जो कि गियर को असेंबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो कि नेट की फंक्शनिंग में हेल्प करती है।
नेट्स को बारे में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सेन होते हैं, बीच सेन होते हैं, कास्ट नेट होते हैं, पर्स नेट होते हैं, गिल नेट होते हैं, ड्रैग नेट होते हैं, डिप नेट और लिफ्ट और स्कूप नेट होते हैं, बिन नेट और जाल होता है, शांगलो नेट होते हैं, ट्रॉल होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के नेट्स जो है होते हैं, तो इन नेट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है फिक्स्ड नेट। ये क्या किए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं इन बैम्बू या फिर आयरन रोड्स की हेल्प से। तो ये वाटर बॉडी के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं या फिर टाइडल रीजन के अंदर। स्टेक्स एंड फ्लोट्स और शिंकर्स आर यूज, जैसे कि हमने जिन टर्मिनोलॉजी की बात की थी अभी, यानी जिन एक्सेसरीज की बात की थी, ये सभी यहाँ पे यूज होती हैं। जैसे कि इसमें यूज होती है स्टेक्स यूज होते हैं, एंड फ्लोट और सिंकर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेट्स आर रेक्टेंगुलर और कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर होंगे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं, या फिर ये कॉनिकल शेप के होते हैं। इनको पांच या फिर बेहुंडास और घूर्णी जाल बोला जाता है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ओडिशा के अंदर। इनको इसके अलावा जेट्स बोला जाता है गुजरात के अंदर, एंड कलम एंड कुटी वलाई बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर। तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम होता है। मेन बात यहाँ पे क्या है कि वाटर बॉडी के अंदर फिक्स किए जाते हैं, एंड फिक्स किसकी हेल्प से किए जाते हैं, स्टेक्स फ्लोट एंड सिंकर्स यहाँ पे एक्सेसरीज यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का नेट होता है सीन। सीन जो है ये रनिंग वाटर के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के सीन होते हैं, जैसे कि शोर सीन होता है, इसके अलावा बोट सीन होता है। तो शोर सीन जो होते हैं, जो किनारे पे यूज किए जाते हैं ये वाला, तो इसके अंदर क्या होता है, ये शोर के ऊपर यूज किए जाते हैं। वन एंड ऑफ द नेट इज कैप्ड एट शोर एंड अदर एंड इज स्प्रेड इन सी वाटर इन सेमी सर्कुलर पैटर्न। सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको वाटर के अंदर जो है स्प्रेड किया जाता है। यूज टू कैप्चर मकेल्स एंड जो सार्डाइन्स होते हैं कोस्टल कर्नाटका एंड गोवा के अंदर, उनको यूज करने के लिए, इनको कैप्चर करने के लिए इसको यूज इन इनको क्या किया जाता है, इन टाइप के शोर सीन को यूज किया जाता है। अब इसके अंदर हम देखें यहाँ पे अलग, यहाँ पे क्या है, फ्लोट्स यूज किए जाते हैं, सिंकर्स यूज किए जाते हैं, ताकि ये क्या हो सके, इजिली यहाँ पे फ्लोट कर सके, इजिली फिशिंग कर सके इसमें। इसके बाद बोट सीन होते हैं, जो कि सी के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं बाई बोट्स और कैटामार्न, ठीक है, बोट एंड कैटामार्न के थ्रू ये क्या किए जाते हैं, सी के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रोप होती है, कुछ विंग्स होते हैं, एंड यहाँ पे माउथ होगा, ये इसका कोड एंड होता है। तो ये ऐसे स्प्रेड किया जाता है, ये स्प्रेड किया जाता है बोट एंड कैटामार्न के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू इसको स्प्रेड किया जाता है, एंड फिर इसे फिशिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो नेट है ये होता है बीच सीन। बीच सीन जो होता है ये बीचेस के ऊपर यूज किया जाता है, ठीक है, बीच के ऊपर यूज किया जाएगा। इसको बरजाल बोला जाता है ओडिशा के अंदर, पेडावलाई बोला जाता है आंध्रा कोस्ट के अंदर, पैरिया विलाई बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, एंड कैरावलाई बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर। साइज जो इसका अबाउट 1800 मीटर इंटू 10 मीटर होता है, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ ही हो गई। इसके अंदर दो वॉल्स होती है, ठीक है, दो वॉल इसके अंदर होती है नेट वेबिंग की, ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्विन्स कॉल्ड विंग्स, ठीक है, इनको विंग बोला जाता है। यहाँ पे रनिंग विंग हो गया जैसे कि यहाँ पे, और एक स्टैंडिंग विंग होता है। द विंग आर जॉइंट एट द सेंट्रल बैग ऑफ द नेट नेट वेबिंग। अब नेट वेबिंग से क्या किया जाता है, इन दोनों विंग्स को जोड़ दिया जाता है सेंट्रल बैग से, इस सेंट्रल बैग से इनको जोड़ दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ विंग्स आर कनेक्टेड टू कॉर्ड्स विच आर जॉइंट टू स्नाउट पोल्स, एंड एंड के ऊपर क्या कर दिए जाएंगे, ये जो है जो भी यहाँ पे विंग्स है वो कॉर्ड्स के थ्रू अटैच कर दिए जाएंगे, एंड फिर ये क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ पे ब्रेल या फिर स्नाउट पोल से अटैच कर दिए जाएंगे ऐसे। ये टाइप का ये नेट होता है। इसके बाद एट रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर यहाँ पे स्प्रेडर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर स्प्रेडर्स पाए जाते हैं बिटवीन द फ्लोट लाइन एंड द लीड लाइन। एक फ्लोट लाइन है, एक लीड लाइन है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऐसे टाइप के रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर स्प्रेडर्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा द फ्लोट लाइन हैज अ फ्लोट एंड लीड लाइन हैज सिंकर्स। अब ये जो फ्लोट लाइन है, फ्लोट लाइन के अंदर क्या पाई जा रही है, फ्लोट्स पाई जा रही है, एंड जो नीचे वाली लाइन है लीड लाइन, लीड लाइन के अंदर सिंकर्स पाई जा रही है। नेट इज स्प्रेड इन सच अ वे दैट द वन विंग कॉल्ड स्टैंडिंग विंग। अब नेट को ऐसे स्प्रेड किया जाता है जैसे कि ये स्प्रेड किया है, तो जो ऊपर वाला होगा उसको स्टैंडिंग बोलेंगे, ठीक है, एक स्टैंडिंग विंग होगा एंड दूसरे वाले को रनिंग विंग बोला जाता है। तो एक स्टैंडिंग विंग हो जाएगा एंड सेकंड यहाँ पे रनिंग विंग होगा। तो इस वे में यहाँ पे क्या की जाती है, इस बीच सेन से फिशिंग की जाती है। नेक्स्ट होता है कास्ट नेट। कास्ट नेट जो है इसको घाघरिया जाल और थ्रो नेट बोला जाता है। ऑलमोस्ट बेल शेप का ही होता है, ठीक है, समवट बेल शेप का ही होता है। लोअर सर्कुलर मार्जिन वेट्स कॉल्ड सिंकर्स एंड सिंकर्स आर प्रेजेंट। अब लोअर मार्जिन के ऊपर वेट्स पाए जाते हैं, इन वेट्स को सिंकर्स बोला जाता है, ठीक है, सिंकर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सिंकर्स इनको वाटर के अंदर सबमर्ज रहने में हेल्प करेंगे। स्प्रेड इन टू वाटर लाइक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तरह इसको स्प्रेड किया जाता है एंड इसके मार्जिन के ऊपर हैवी वेट की वजह से ये वाटर के अंदर सिंक कर जाता है एंड फिर इसको इकट्ठा करके, हॉलिंग लाइन ये हो गई, तो इसको इकट्ठा करके फिर निकाल लिया जाता है। तो ये कास्ट नेट यहाँ पे हो गया है। एंड ये जो है अलग अलग टाइप के, अगर हम नेट्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के हम बोल सकते हैं कि ये जो है कॉटन के या फिर नाइलोन के बने हुए होते हैं, ऐसा टाइप का ये होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का ये होता है। तो ये इकट्ठा हो जाएगा फिर इसको निकाल लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्स नेट। पर्स नेट जो है माइग्रेटरी फिशीज जैसे कि हिल्सा, लार्ज साइज कार्प्स एंड कैट फिशेज को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज वाइड माउथ सपोर्टेड बाई टू फ्लेक्सीबल बैम्बू रोड्स। इसके पास एक वाइड माउथ होता है जो कि दो यहाँ पे बैम्बू रोड्स के थ्रू, ठीक है, बैम्बू रोड्स होंगी, वो क्या करेंगे इसको सपोर्ट करके रखेंगी एंड ये बैम्बू रोड फ्लेक्सीबल होती है। दिस रोड्स आर अटैच एट टू एंगल्स फॉर्मिंग अपर एंड लोअर लिप। अब इसके बाद ये जो बैम्बूज है ये क्या किए जाते हैं, ये अटैच किए जाते हैं। ये एक यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये यहाँ पे अपर लिप हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, लोअर लिप हो जाएगा। फ्लेक्सीबल है तो ईजिली ये क्या हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं एंड बंद भी हो जाएंगे। नेट इज सस्पेंडेड इन डीप वाटर एंड इज अटैच टू द बोट। बोट से इसको अटैच करके डीप वाटर के अंदर इसको क्या किया जाता है, जैसे कि ये बोट हो गई, इसे डीप वाटर के अंदर इसको अटैच करके यहाँ पे छोड़ा गया, द नेट को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, नेट को सस्पेंड कर दिया गया वाटर के अंदर। इनिशियली माउथ इज कैप्ट ओपन, माउथ ओपन रखा जाएगा, बट एज द फिश एंटर्स, जैसे जैसे फिश इसके अंदर एंटर होती है, माउथ को क्लोज कर दिया जाएगा इन बैम्बू पोल्स की हेल्प से। जो इसके अपर एंड लोअर लिप्स थे ना, इनकी हेल्प से इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नेट आता है गिल नेट। गिल नेट जो होता है परमानेंटली फिक्स्ड नेट ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंटली फिक्स्ड नेट ये होता है एंड इसको क्या किया जाता है, इसको ट्रांसवर्सली फ्री फ्लोटिंग वाटर जैसे रिवर या फिर पोंड के अंदर यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक टाइप का परमानेंटली फिक्स्ड नेट होता है। तो इसको ट्रांसवर्सली फ्री फ्लोइंग रिवर या फिर पोंड के अंदर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद अब फिक्स इसको कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिश इसके अंदर फिक्स करते ही आ जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार इसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा हो कि फिश इसके अंदर आए ही ना, फिश कैप्चर हो ही ना। तो इसके इसके इनविजिबिलिटी के ऊपर, यानी ये कितना दिखाई दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी यहाँ पे फिश आएंगी। तो इसका कलर जो है ये वाटर के कलर से मैच करना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो है फिशिंग जो है वो इजिली यहाँ पे कलेक्ट की जा सके, कैप्चर की जा सके। नाइलोन फाइबर्स का ये बना हुआ होता है एंड कई बार ये हेम्प फाइबर्स का भी बना हुआ होता है एंड बेसिकली इसको नाइट के अंदर फिक्स किया जाता है ताकि रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे मिले, ताकि इसके अंदर ओवरनाइट जो है फिशिंग वो इकट्ठी हो जाए, फिशरीज इकट्ठी हो जाए। तो इसके अंदर यहाँ पे फिक्स करने के लिए सिंकर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं और ये नेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया जाता है ताकि इसके अंदर क्या हो जाए, यहाँ पे इकट्ठी हो जाए फिश। टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल गिल नेट एंड ट्रोमल नेट, ये दो टाइप के होते हैं।
सिंपल गिल नेट जो होता है 25 to 100 मीटर लॉन्ग एंड 2 to 10 मीटर डीप होता है। कैप्चर फिश लाइक जैसे कि सिंगाला या फिर पेंगुइसिस होगी, मेजर कार्प्स होगी, सिलोनिया हो गई, इन सब टाइप की फिशरीज को कैप्चर करने के लिए ये टाइप का नेट यूज किया जाता है। ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग, एंकर्ड एंड स्टैक। फ्लोटिंग गिल नेट जो होते हैं इनका सरफेस फ्लोटिंग होता है एंड लोअर सरफेस जो है ये फिटेड विद सिंकर्स एंड ये सस्पेंड किया जाता है वाटर के अंदर, बट ये फ्लोट करता रहता है। ठीक है, फिट तो किया जाता है, ये फिक्स तो किया जाता है लोअर सरफेस से, लेकिन ये वाटर के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो ये टाइप का नेट होता है फ्लोटिंग नेट। इसके बाद एंकर्ड गिल नेट जो होता है फिक्स्ड परमानेंटली एट अ डिजायर्ड डेप्थ विद द हेल्प ऑफ एंकर्स। एंकर्स की हेल्प से इसको परमानेंटली डिजायर्ड डेप्थ तक फिक्स किया जा सकता है। स्टैक्ड गिल नेट जो होते हैं बॉटम बाय एंकर्स एंड स्टैक्स के थ्रू इसको बॉटम के ऊपर फिक्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, फ्लोटिंग वाला तो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ठीक है, वाटर के अंदर ये फिट तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, इसका लोअर सरफेस फ्लोट करेगा। एंकर्ड का क्या होगा, इसको डिजायर्ड डेप्थ तक हम एंकर कर सकते हैं, इसको परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। एंड स्टैक्ड गिल नेट क्या होगा, इसको बॉटम के ऊपर एंकर्स एंड स्टेक्स की हेल्प से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप का आता है ट्रैमल नेट। 3-वोल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, हैविंग आउटर एंड इनर वोल फिटेड विद द टाइट मैश एंड मिडिल वोल विद स्मॉल मैश वेबिंग कॉल्ड लिंट। ठीक है, 3-वोल्ड स्ट्रक्चर ये होता है, आउटर एंड इनर वोल जो है ये टाइट मैश यानी कि एक टाइट नेट से यहाँ पे फिटेड होती है, और जो मिडिल वोल है स्मॉल मैश वेबिंग जिसको लिंट बोला जाता है उसके साथ फिक्स होती है। ऑल द 3 मैसेज आर जॉइन अबाउट एट अ फ्लोट लाइन एंड एक फ्लोट लाइन के ऊपर ये तीनों की तीनों जो यहाँ पे मैसेज है वो क्या होती है या फिर वॉल्स हैं वो यहाँ पे जॉइन करती है एट वेट लाइन और लीड लाइन। ठीक है, बिलो एट वेट लाइन एंड लीड लाइन के ऊपर ये क्या करेंगी, ये यहाँ पे जॉइन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रैग नेट। ड्रैग नेट जो है कॉमनली पॉन्ड्स के अंदर फिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसको चांटी नेट या फिर पत्ती जाल बोला जाता है कॉमनली। इसके अपर सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग लाइन होती है, अपर सरफेस के ऊपर ये फ्लोटिंग लाइन होती है, फ्लोट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लोअर सरफेस के ऊपर लीड लाइन होती है विद सिंकर्स। ठीक है, लीड लाइन के अंदर यहाँ पे सिंकर्स पाए जाते हैं, ये मैस यहाँ पे हो गए, अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे नोट्स यहाँ पे लगी हुई होती है। इस टाइप का नेट हो गया, नीचे सिंकर्स हो गए, ऊपर की टाइप यहाँ पे फ्लोट पाए जाएंगे। तो ये जो है ड्रैग नेट, ये क्या किया जाता है, ड्रैगिंग के हेल्प से क्या किया जाता है, यहाँ पे इससे फिशिंग की जाती है। इसके अलावा इसको ड्रैग ड्रैग नेट को मूव करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, बॉटम जो पॉन्ड है पॉन्ड के बॉटम से लेके इसको क्या किया जाता है, उठाया जाता है, तो इसको ड्रैग किया जाता है एक तरह से। तो इसको ड्रैग करने के लिए ऑलमोस्ट 20 to 30 persons जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और फिशिंग इससे फिर कर ली जाती है, फिशिंग इससे एक्यूमुलेट कर ली जाएंगी जो फिशेज होगी। इसके अलावा ड्रैग नेट के कुछ अदर भी टाइप होते हैं, जैसे कि एक कोना जाल होते हैं जो कि गंगास के अंदर, ठीक है, गंगा जो रिवर्स है उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिप लिफ्ट और स्कूप नेट। ये जो नेट होता है इसके अंदर एक तो नेट यहाँ पे होता है माउंटेड ऑन राउंडेड और वी शेप मेटेलिक और वुडन फ्रेम से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ये राउंडेड होता है, फिर वी शेप का होता है, एक मेटेलिक या फिर वुडन फ्रेम होता है जिससे ये नेट अटैच होता है। ये नेट क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा एंड ये एक फिंगर बाउल जैसा नजर आता है। द नेट इज इधर मूव्ड इन वॉटर इन स्कूपिंग मैनर और हेल्ड इन वॉटर फॉर 5 to 10 minutes। या तो इसको क्या कर लिया जाता है, इसको स्कूपिंग मैनर के अंदर मूव किया जाता है वाटर के अंदर, या तो इसको वहां पे रोक लिया जाता है 5 to 10 minutes के अंदर एंड फिर इसको देन लिफ्टेड अप रैपिडली। यूज टू कैच ग्रीगेरियस फिशेज को कैच करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इस नेट का जो ये वाला रोप वाला पोर्शन है इसको एक तरह से लीवर की तरह यूज किया जाता है एंड फिर इसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ से खींच लिया जाता है, निकाल लिया जाता है एंड फीसीज को क्या कर दिया जाता है, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है इस नेट से। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीम नेट या फिर जाल इसको हम बोलते हैं।
तो जो बीन नेट या फिर जाल है, एक टाइप का बैग नेट ये होता है, टाई टू स्टेक्स और बैम्बू पोल से ही बांध दिया जाता है, ठीक है, ये वाले बैम्बू पोल से इनको बांध दिया जाएगा। लेटरल साइड फ्लोट्स आर अटैच्ड, एंड लेटरल साइड के ऊपर फ्लोट्स जो है वो अटैच यहाँ पे किए जाते हैं। यूज टू कैच स्मॉल फिश इन डेल्टाज ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो डेल्टाज है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा हो गया जैसे, उसके अंदर फिशरी को कैप्चर करने के लिए, स्मॉल साइज की फिशरी को कैप्चर करने के लिए ये बीन नेट और जाल यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है शांगलो नेट, ये पर्स नेट की ही एक तरह से मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, पर्स नेट की मॉडिफिकेशन होगी। अपर रीचेस ऑफ इसेंचुरीज एंड डुगट कैनोई इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है, ये टाइप की यहाँ पे बोट यूज की जाती है, एंड फिर इसको ऐसे इसके अंदर सस्पेंड किया जाता है, एंड फिर इसको क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, एंड फिशिंग इसके अंदर आ जाती है। तो ये एक तरह से पर्स नेट की ही क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट आता है ट्रोल नेट, ये एक बैग होता है, नेट वेबिंग विद अ माउथ एंड अ टेपरिंग ब्लाइंड एंड, एक तो माउथ होता है ओपन होता है, एंड जो टेपरिंग ब्लाइंड एंड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, टेपरिंग ब्लाइंड एंड होता है। अपर मार्जिन जो है इसकी, अपर मार्जिन के ऊपर फ्लोट्स पाए जाते हैं, लोअर मार्जिन के ऊपर फुट रोप पाई जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर देखें, लोअर मार्जिन के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फुट रोप पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोटिंग लाइन कीप्स माउथ ओपन, जो इसकी फ्लोटिंग लाइन है वो क्या करती है, इसके माउथ को ओपन रखती है। फुट रोप इज फिटेड विद वुडन प्लास्टिक और मेटेलिक बोबिन्स टू प्रोटेक्ट द नेट, अभी यहाँ पे बोबिन्स पाए जाते हैं, फुट रोप लाइन जो है मेटेलिक वुडन या फिर प्लास्टिक बोबिन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है इस नेट को। इसके अलावा नेट जो है स्ट्रेंथ किया जाता है, स्ट्रेंथन्ड एट इंटरवल्स विद फोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग स्ट्रोप्स, यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग एंड फोर स्प्लिटिंग स्ट्रोप पाए जाते हैं, इनके थ्रू इस नेट को स्ट्रेंथन किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट ब्रिज लाइन टू प्रिवेंट इट्स कोलेप्सिंग, अब इसके अलावा इसके अंदर लास्ट ब्रिज लाइन्स भी होती है, ठीक है, ये हो गई लास्ट ब्रिज, ठीक है, ये लास्ट रिज लाइन होती है, लास्ट रिज लाइन क्या करती है इसके अंदर, इसको कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करके रखती है। मेन लाइन क्या करती है, एक्सटेंड एट द बेस एंड एंड एडिशनल लाइन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रॉल नेट, मेन लाइन एक्सटेंड करती है एज द बेस एंड एंड इसके अलावा जो एडिशनल लाइन्स है वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जो भी एडिशनल लाइन है जैसे कि होल अप लाइन होगी, फुट रोप लाइन होगी, लास्ट रीज लाइन हो गई, तो ये सभी लाइंस क्या करेंगी, इसको इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये अलग अलग टाइप के नेट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमने अलग अलग फिशिंग गियर्स यानी फिशिंग नेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने स्पीयर्स एंड हार्पून्स के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा हमने ट्रैप्स के बारे में बात किया कि कौन कौन से फिशिंग ट्रैप्स हो सकते हैं, एंड इसके अलावा हुक्स एंड नेट्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं, जो फिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एंड लास्टली यहाँ पे नेट होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ फिशरी जो होती है, मोस्ट ऑफ फिशिंग जो होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो वर्ल्ड की फिशरी होती है वो इन्हीं नेट से कैप्चर की जाती है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।